Hello and welcome to my YouTube channel. There is a notification from Bar Council regarding the exam which is held on 5th Sunday. This 5th February Sunday को जो एग्जाम हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग बार काउंसिल में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है. उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ लोगों ने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा था. उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाना उचित समझा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं इसका ये मैटर एग्जैक्टली है क्या. बार काउंसिल की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट कराया गया 5 फरवरी को, उसमें गुजरात से कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आंसर वगैरह शेयर किए थे. तो वही उसके रिगार्डिंग सिंपल शब्दों में यह है कि एक जांच कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बिठा दी गई है और उसकी जाँच चल रही है कि क्या वाकई में कुछ सेंटर्स में ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि ऐसा कुछ हुआ जिनको पेपर कुछ कुछ लोगों को पहले से पता था क्या, क्या पेपर आउट हुआ था, या फिर ऐसा कुछ है कि कुछ आंसर्स की शेयर किए गए हैं या कुछ लोगों को मोबाइल आउट किया गया है, मोबाइल लेके गए हैं, कुछ लोग मोबाइल से देख रहे हैं उन आंसर की इसको मैच कर रहे हैं जो शेयर की गई है ग्रुप में. तो ऐसी कोई इंसिडेंट सामने आई है क्या. तो उसके रिगार्डिंग बार काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक जांच कमेटी बिठा दी गई है. तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ जांच कमेटी में पाया जाता है, तो जिस सेंटर में ऐसी वो घटना हुई है उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो सकता है. बाकी उस सेंटर का हो सकता है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम एज इट इज. आप अपने आंसर कीज का वेट कीजिए, अपने रिजल्ट का वेट कीजिए. आंसर कीज आपकी मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में रिलीज हो जाएंगी. बार काउंसिल ने क्लेरिफिकेशन दे दी है कि वो रिवाइज आंसर शीट जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करा देगा. तो मेरे पास ये है डिटेल प्रेस रिलीज जो कि 7 फरवरी 2023 की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की. द जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ रिजोल्यूशन डेटेड 6 फरवरी 2023 बाई वे ऑफ सर्कुलेशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी टू फाइंड आउट द ट्रूथ रिलेटिंग टू द न्यूज पेपर रिपोर्ट इन गुजरात रीजनल न्यूज पेपर ऑन डेटेड 6 फरवरी 2023 रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सम पीपुल एंड देयर नेम इज गिवेन द एडवोकेट एट राजकोट गुजरात 5 फरवरी 2023 फॉर द बार फ्रॉम द बेयर कंपेरिजन एंड एग्जामिनेशन ऑफ आंसर टैली रिपोर्टेड इन द मीडिया द फैक्टम ऑफ लीकेज ऑफ आंसर सीट टू यूज द अनफेयर मीन्स अपियर टू बी अनट्रू. यानी कि जो ये बोला जा रहा है कि जो आंसर सीट है या आंसर सीट की जो पेपर लीक की जो न्यूज है वो सही नहीं है. हाउएवर द प्राइमा फेसी इज एस्टेब्लिश्ड दैट द सम एडवोकेट्स हैज ट्राई टू मिसलीड सम ऑफ द अपीयरिंग यंग एडवोकेट्स अंडर द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ सप्लाइंग देम आंसर्स ऑन देयर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द मोबाइल. दिस हैड बीन डन बाई सम एडवोकेट्स बार एंड अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देयर वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द बार एसोसिएशन इन ट्रांसपायर द आउट ऑफ 28 आंसर सप्लाइड टू द कैंडिडेट 21 आंसर्स वर रॉन्ग. यानी कि जो आंसर भी सप्लाई किए गए तो 22 आंसर 28 आंसर सप्लाई किए गए तो उसमें से 22 आंसर 21 आंसर गलत थे. तो ऐसा भी है कि आवर द यूज ऑफ मोबाइल फॉर दिस पर्पज बाई सम ऑफ द एडवोकेट इन एग्जाम हॉल इज वेरी सीरियस मैटर. यूजेज ऑफ मोबाइल इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द AIB एग्जामिनेशन. द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हैज बीन सेटअप फॉर द एग्जामिनेशन CCTV फुटेज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस मेल प्रैक्टिस. जो ये गलत तरीके की प्रथा हुई है इसकी जांच की एक कमेटी बना दी गई है. 3 मेंबर कमेटी बना दी गई. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे उपाध्याय फ्रॉम फॉर्मर जेल और गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल मिस्टर जयंत एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ये जो मेंबर्स की नाम है वो दिए गए हैं जिनकी जो कमेटी में है. और द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन ऑनरेबल चेयरमैन बार काउंसिल विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव दिस इन्फॉर्मेशन. ये 7 दिन के अंदर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी. तो ये साफ साफ क्लेरिफिकेशन नोटिफिकेशन में मैंने दिखा दिए है आपको. आपको नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे. तो मैं अपनी स्क्रीन पे ये मैंने नोटिफिकेशन दिखाया है और आप इसको देख लीजिए. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं इजीली, या आप चाहें तो अभी पढ़ सकते हैं. मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ दिया है शुरू से एंड तक. और इसमें जो है यही बात जो मेन बात है वो ये है कि कुछ सेंटर्स पे, ये मेनली रिपोर्टेड इंसिडेंट गुजरात का है, तो यहाँ पे कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ है. तो जिस सेंटर पे ऐसा हुआ है उस सेंटर्स की CCTV फुटेज मंगा ली गई है और जो भी कैंडिडेट्स आप उसमें मोबाइल से देखते हुए पाए जाएंगे या जो उनकी फोटो मोबाइल से देखते हुए पाई जाएगी, जिन्होंने मोबाइल से चीटिंग की होगी सेंटर में, तो ये सेंटर कैंसिल हो
हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है, लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो ये सेंटर कैंसिल हो सकता है। तो खाली एक सेंटर कैंसिल होगा जहां पे ये रिपोर्ट आई है, बाकी किसी और के एग्जाम के ऐसी कोई पेपर आउट की न्यूज नहीं है। पेपर किसी भी तरह से बार काउंसिल का आउट नहीं हो सकता है। तो ये एक गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल इस बात की, जो जो मेरे से लोगों ने बार बार क्वेश्चन पूछा कि ऐसा ऐसा नहीं, तो किसी भी तरह की कुछ भी न्यूज़ उठा करके उसको अपने से रिलेट नहीं कीजिएगा, किया करिए। इसलिए मैंने क्लेरिफिकेशन देने के लिए स्पेशली वीडियो बना दिया है कि भाई इसमें ये तथ्य है, ये सच्चाई है, नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने, पूरा पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ दिया है। क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि यार ऐसा कैसे नोटिफिकेशन, तो पेपर देखे हैं, बहुत मुश्किल में तो इसका पेपर कंडक्ट हुआ, बड़ी तैयारी करी, अब क्या दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम पूरे बार काउंसिल के कैंसिल कभी नहीं होते हैं, ऐसा कोई पेपर लीकेज की जो भी न्यूज़ है वो र्यूमर है, गलत है। और खाली जो कुछ सेंटर्स पे जो बात है उस सेंटर्स पे संज्ञान लिया जा रहा है और उस सेंटर का बार काउंसिल देख रही है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।